बता दीजिए आप। मेरा नाम है साहब मदन सिंह राणा, मैं प्रताप नगर क्षेत्र का रहने वाला हूँ। ग्राम सभा मेरी भेलुंता है और टीरी का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये आप स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, आप कितने वर्षों से चला रहे हैं और अब क्या दिक्कतें होने लगी आपको? मैं 6 साल से चला रहा हूँ इस काम को, पर अब दिक्कत इस चीज की आ रही है साहब कि यहाँ पर ये कोरोना काल जो चला तब से मेरे दोनों लड़के घर है, मेरे पास कमाई का जो जरिया था वो खत्म हो चुका है। इससे पहले मैं 6 सालों से करता रहा पूरे प्रताप नगर में, चारों धामों में भी, यात्रियों के सामने भी, कि ताकि प्रचार प्रसार जाए हमारा उत्तराखंड में कोई स्वच्छता का काम करता है, पर्यावरण, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड से पूरे देश के लिए पर्यावरण जाता है, मगर हम हिमालय की जब रक्षा नहीं कर सकते तो हम देश की क्या करेंगे। मैंने ये पैसे अपने पास से इस काम को करने का एक बीड़ा उठाया था, मगर सरकार ने कोई सहयोग नहीं करा इसके लिए। मैं भी फिर उतना मेरे पास बजट नहीं है जो मैं इसको खर्चा कर सकता था, मगर मेरे परिवार का पूरा इसमें सहयोग है। जो मेरे लड़कों ने मुझे देना है, हर मंथ देते थे 20,000 रुपये महीना, मगर कोरोना काल में वो घर बैठ गए तो पैसा नहीं आया, तो इस समय जो है तो मेरे काफ़ी परेशानी से गुजर रहा हूँ। मैंने सरकार से कई बार गुहार लगाई, मुख्यमंत्री जी के पास भी जाने की कोशिश करी, पर वहाँ पर मुझे जाने नहीं दिया। विधायक से और ये जो मंत्री लोग हैं, कई बार इन लोगों से कहा पर किसी ने मेरी बात को नहीं सुना। मैं ये चाहता था कि अगर जैसा काम मैं कर रहा हूँ, अगर मेरे पीछे जो कोई बच्चे भी अगर काम करे उसको तो अच्छा था। एक आदमी यहाँ पर नौगांव बड़कोट में पुरोला में मेरा चेला ही है, वो मेरी तरफ से वहाँ करता है। मैं ये चाहता था गंगा जमुना इन सभी में हम लोग इसके पर्यावरण की रक्षा करें और सफाई का काम चलाएं तो चला सकते हैं, पर सरकार का कोई सहयोग नहीं है और इसलिए जो है हम लोग नहीं कर पा रहे। पीएम को भी पत्र लिखा आपने इसको लेकर? कई बार लिख दिया पीएम को, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, मगर कोई उसके अभी वहाँ पर प्रधानमंत्री जी को नहीं मिला होगा, क्योंकि मैंने तो भेजा है यहाँ से, पर उनका जवाब तो आया पर उन्होंने कुछ करा नहीं इसके बारे में। अच्छा, तो अब क्या उम्मीद करते, क्या चाहते हैं ये? अब मैं ये चाहता हूँ साहब कि मेरी बात प्रधानमंत्री तक पहुँचे, और यहाँ पर तो कोई मेरा सहयोग कर नहीं रहा, पिछले 6 साल से नहीं किया तो अब क्या आशा लगा के बैठूं। मगर मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री तक मेरी बात पहुँचे और वो इस बात जरूर संज्ञान करेंगे, क्योंकि स्वच्छता उनका एक बीड़ा है। मैं वो उत्तराखंड में मैं अकेला तो नहीं चला सकता, और कोई आदमी और होता मेरे साथ में तो मैं चला पाता। क्या अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो आप ये काम बंद कर देंगे? हाँ, बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास भी इतना बजट नहीं है जो कि मैं कर सकूं खर्च। मगर जब अगर मेरे लड़के दोबारा नौकरी पे चले जाएंगे तो वो जरूर सहयोग करेंगे, तो मैं करूंगा। मेरा तो ये था कि जीवन ही स्वच्छता में लगाऊं, मगर क्या कर सकता हूँ जब कोई सरकार सहयोग नहीं करे। ठीक, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको इसमें? ये साहब, जब मोदी जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने लाल किला से ये बात कही थी कि स्वच्छता भी एक आदिम का अंश है, तो मैंने ये सोचा कि यार मोदी जी तो सारे देश के लिए सोच रहे हैं, मैं अपने उत्तराखंड के लिए तो सोच ही सकता हूँ, और वो मैंने काम किया था। मगर किसी ने मेरा सहयोग ना होने की वजह से सरकार, मोदी जी तो पूरा देश उनके पास है, मगर हमारे पास उत्तराखंड है पर हम उसकी सेवा भी नहीं कर पाते पूरे ढंग से। क्यों कर कैसे करते हैं स्वच्छता, जैसे आप कैसे? मैं गांव-गांव जाके लोगों को एक तो समझाता हूँ भाई कि इस तरीके से ये काम होता है, और जो उनका कूड़ा कबाड़ा होता है, ये गाड़ी है मेरी, इसमें मैं उसको भर के लेके आता हूँ, और हर गाँव में कोशिश करता हूँ कि लोगों को समझाने की। और मैं सबसे बड़ी बात यह कि बाहर का लोग हमारे गढ़वाल में जाकर के पूरा काम इन लोगों ने कबाड़ा उठा के क्या कई चोरी डकैती कई काम करते हैं, पर मैं ये चाहता हूँ कि उत्तराखंड का ही आदमी क्यों ना सीखे इस काम को। हम लोग नौकरी करने में तो देश विदेश जाते हैं, क्यों ना यहीं अपने उत्तराखंड में ही काम ढूंढे, पर इस काम को करने में कोई शर्म तो है नहीं, कोई चोरी चकारी का काम तो है नहीं, ईमानदारी का काम है, कोई काम कर ले तो बुरा नहीं है। इस तरीके से मेरी तो उम्र भी काफी हो चुकी है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि नई पीढ़ी को इस काम को सीखे और अपने उत्तराखंड में इस काम को बड़ा चला के चलाए, पर सरकार इसमें सहयोग नहीं कर सकती तो कोई हर आदमी नहीं कर सकता इस काम को।